तो भाई लोग, अगर आप लोग रैंक पुश करते हो रैंडम बंदे के साथ, तो दिक्कत तब नहीं आती जब आप लोगों का टीममेट नॉक हो जाता है। दिक्कत तब आती है जब आप लोगों का कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं बैठता। लेकिन अगर आप लोगों का कोऑर्डिनेशन ठीक से बैठ जाता है तो आप लोग उस मैच को आराम से बुनियाद कर सकते हो। तो ऐसा ही होता है इस वाले मैच में। अब यहाँ पर मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है और उसको तुरंत ही फिनिश कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बंदा मेरे सामने से जाता है और उसको मैं तुरंत ही यहाँ पर नॉक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं अपने टीममेट को रिवाइव करने जाता हूँ और उसको रिवाइव दे के मैं लौट ही रहा था कि मेरा एक और टीममेट नॉक हो जाता है। अब यहाँ पर हम लास्ट जोन तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ दो ही बंदे बचे थे और अब बाकी मेरे दो बंदे फिनिश हो चुके थे और अभी भी हमारे अलावा 13 बंदे अलाइव है। तो यहाँ पर हम दो बंदे को तो नॉक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी उनके टीममेट बचे हुए हैं। अब यहाँ पर हमारा ऐसा कोऑर्डिनेशन बैठता है ना भाई, लिटरली हम सीधा भूया करके ही मानते हैं और हमारा इजीली भूया हो जाता है। तो ऐसे टीममेट के लिए एक सब्सक्राइब तो